हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज का वीडियो होने वाला है सभी पावर हीटर्स के लिए जिन्हें अच्छा लगता है छक्के मारना, चौके मारना, और जिनको चाहिए अपने शॉट्स में पावर। क्योंकि आप देख सकते हो आज का क्रिकेट जो बचा है, जो पावर से खेलता है वही ज़्यादा रन बनाता है। अगर आपके बॉडी में पावर नहीं है, अगर आपके शॉट में दम नहीं है तो बाउंड्री तक नहीं जाएगा। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ तीन बड़ी एक्सरसाइज जो आप ग्राउंड में कर सकते हो और अपने शॉट्स में पावर ला सकते हो। और गाइज, इन एक्सरसाइज में आपको ज़्यादा इक्विपमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप छोटे छोटे इक्विपमेंट लेके भी एक्सरसाइज कर सकते हो और उससे अपनी पावर हिटिंग अच्छी कर सकते हो और अपनी बॉडी में स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हो, क्योंकि स्ट्रेंथ होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सभी बड़े बैट्समैन को देख सकते हो, वेस्ट इंडीज़ के जो बड़े बैट्समैन हैं सबके मसल्स में पावर है और इतने लंबे लंबे छक्के मारते हैं। तो आप भी ऐसा बन सकते हो और अपनी मसल्स को ट्रेन कर सकते हो। और गाइज, इन एक्सरसाइज के लिए आपको जिम में जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने इन्हें वार्म अप में भी ऐड कर सकते हो बैटिंग के बाद, और बैटिंग करने के बाद भी इनको ऐड कर सकते हो। तो आज का टारगेट रखते हैं 2500 लाइक का गाइज, क्योंकि इंपॉर्टेंट वीडियो है बैट्समैन के लिए और आप अचीव करा भी देते हो, तो इसका टारगेट मुझे पूरा चाहिए इस वीडियो का, 2500 लाइक का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, तीनों वर्कआउट के लिए सेटअप रेडी है और तीन अलग अलग इक्विपमेंट है मेरे पास। अब आपको मैं समझा देता हूँ कैसे कैसे करना है, किस किस का कैसे कैसे यूज है, एक एक करके बताऊंगा। और तीनों एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सभी बैट्समैन के लिए, इसलिए लास्ट तक देखना वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं, आपको वार्म अप करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप थोड़ा सा वार्म अप कर सकते हैं क्योंकि हमें थोड़ा वेट उठाना पड़ेगा, मसल टूटना खतरा रहेगा, इससे पहले आप वार्म अप जरूर कर लें किसी भी वर्कआउट से पहले। तो सबसे पहले आपने वार्म अप कर लिया, उसके बाद सबसे पहला होगा हमारा ये देख सकते हो आप, ये है मेरे पास एक स्टंप, ये है मेरे पास एक रस्सी और ये है छोटी बाल्टी। इसकी जगह आप बोतल भी रख सकते हो, ये हमारी फोर आर्म्स के लिए यूज़ होगा। और ये स्टंप आप देख सकते हो, ये यूज़ का स्टंप नहीं, टूटा हुआ है, तो ये स्टंप आप वर्कआउट के लिए यूज़ कर सकते हो। उसके साथ आप छोटी रस्सी कहीं भी मिल जाएगी आपको ग्राउंड में, आपके घर में, वहाँ से आप ले सकते हो इतनी बड़ी रस्सी। ये मैंने एक यहाँ पे बांधा हुआ है, एक यहाँ पे। और इस बाल्टी में आप कितना पानी भर सकते हो, अभी मैंने आधा भरा हुआ है, आप अपने हिसाब से भर सकते हो जितना वेट आपको उठाना है, स्टार्टिंग कम से करना है। और फिर आपको क्या करना है, फोर आर्म्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारी बैटिंग में। जब आप हिट करोगे या बैट पकड़ोगे या आप तेज शॉट मारोगे, ग्राउंडेड मारोगे, लेफ्ट हैंड मारोगे, उस टाइम फोर आर्म्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, ये जो रस्सी हमने बांधी हुई है इसको आपको ऊपर रोल करना है और आराम आराम से रोल करना है। हाथ देख सकते हो मेरे सीधे हैं, आपको भी हाथ सीधे ही रखने हैं, इसमें हाथ सीधे रहेंगे और पूरी रस्सी हमें ऊपर इसको चढ़ाना है। और फिर आपको जब पूरी ऊपर आ जाएगी फिर नीचे ले जाना है। ये सब गाइस जो हो रहा है जुगाड़ से किया हुआ है, तो आप भी कर सकते हो ऐसे ही। हमें वर्कआउट करना है, अपनी मसल की स्ट्रेंथ बढ़ानी है। आपको ये नहीं देखना है कि बाल्टी से कर रहे हैं या स्टंप लगाया हुआ, ऐसा नहीं है। अगर आप ग्राउंड में आपको अपनी मसल की स्ट्रेंथ बढ़ानी है तो ये सबसे बेस्ट तरीका है। इसके राउंड कितने करने हैं, आप स्टार्टिंग में तीन बार कोशिश करोगे इसको चढ़ाना है एक साथ ही, और उतारना भी है तीन बार, और तीन सेट स्टार्टिंग में करो। उसके साथ साथ आप वेट पानी बढ़ा सकते हो धीरे धीरे, जब भी आपकी मसल की पावर बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी उसके साथ साथ आप फिर पानी भी इसमें बढ़ा सकते हो। तो सबसे पहला वर्कआउट आसान है, इससे आपको फोर आर्म्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ महसूस होगा। जब आप इसको एक महीना कर लेंगे तो मज़ा आएगा आपको। अब बात करते हैं दूसरे वर्कआउट के बारे में। अब गाइस, दूसरी एक्सरसाइज के लिए हमारे पास है थायराबैंड, या आपको कहीं पे मिल सकता है। आप इसमें लेवल 3 भी ले सकते हो, लेवल 4 भी ले सकते हो, पर लेवल 3 बेस्ट रहेगा। और आपको क्या करना है, जितनी आपकी हाइट है, जितने आपके शोल्डर है, इसको आपको ऐसे बांध लेना है किसी भी पोल में। ये हम जिम में भी कर सकते हैं पर आपको मैं ग्राउंड का ही बता रहा हूँ सबसे बेस्ट रहेगा। और आपको जैसे आप राइटी लेफ्टी हो तो आपको क्या करना है, जैसे आप लेफ्टी हो तो आपको यहाँ से पकड़ना है, हाथ सीधे रखने हैं। आप लेग की पोजीशन भी देखना और हाथ सीधे रखने हैं, हाथ ही मेरे सीधे रहेंगे, और नीचे वाली लेग की पोजीशन भी देखना है, क्योंकि पुल शॉट में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है हमारा बैट। जब हम उठाएंगे पुल शॉट खेलेंगे तो पावर वहाँ पे भी लगता है, तो ये पावर यहाँ से हमें मिलेगा और हमारी पूरी ये वाली मसल भी ट्रेन होगी, क्योंकि हमारी पूरी यूज़ हो रहा है, देख सकते हो पूरी मसल यूज़ हो रही है। तो आप देख लो एक बार अच्छे से, ये हाथ सीधे हैं और तो गाइज, ये तो मैंने आपको लेफ्टी का करके दिखाया। अगर आप राइटी हो तो डायरेक्शन अपना चेंज कर लेना है, ये वाला डायरेक्शन आपका आ जाएगा। पोजीशन आप देख लेना, पोजीशन इसमें भी सेम रहेगी, आपको लेग की पोजीशन देखो और अपर बॉडी की पोजीशन देखो, हाथ दोनों सीधे हैं। और गाइज, ये एक्सरसाइज करते हुए आपको ध्यान रखना है, ये नहीं कि आप खाली कर रहे हो, आप यहाँ पे खड़े हो और खाली कर रहे हो, आपको थोड़ा महसूस होना है कि आप वेट भी आगे कर रहे हो। तो उसके लिए आपको थोड़ा डिस्टेंस बढ़ाते रहना है, पहले आप यहाँ से कर सकते हो, फिर एक हफ्ते बाद आप थोड़ा आगे से कर सकते हो, ऐसे ऐसे बढ़ा सकते हो जहाँ भी आपको लगे कि हाँ मसल का यूज़ हो रहा है। ये आपको बेनिफिट बहुत ज़्यादा देगा, जो हम पुल शॉट मारते हैं या हम यहाँ से हिट करते हैं तो उसमें हमारी मसल, ये वाली मसल यूज़ होती है, हाथ का यूज़ होता है, शोल्डर का यूज़ होता है, तो उसमें पूरी पावर लगती है, तो यहाँ से वो पावर आपको मिलेगी। अब तीसरी एक्सरसाइज के लिए ये डंबल भी यूज़ कर सकते हो, पर डंबल अगर नहीं है तो ये आप देखते हो आपको कहीं पर मिल जाएगी, इसको ईंट बोलते हैं। इसमें 1 किलो से थोड़ा ज़्यादा वजन होगा और ये सबसे बेस्ट है, कोई भी उठा सकता है। अगर हाँ आप अभी जिम भी जाना स्टार्ट नहीं किया तो आप इसका यूज़ कर सकते हो, करना कैसे वो देख लो। बैटिंग हम करते हैं, हम लॉफ्टेड छक्के मारते हैं, आपको दिखता है आगे बढ़ के छक्के मारते हैं, पूरी पावर लगाते हैं, तो उनके लिए सबसे बेस्ट है पावर जो हमारी यूज़ होगी।
हमें स्क्वाड पोजीशन में रहना है, ये पोजीशन देख सकते हो, और ये जो हमारी ईंटें नीचे जाएगी और फिर इसको ट्विस्ट करके ना हमें ऊपर ले जाना है, ऐसे यहाँ से नीचे से ऊपर, ये एक फ्लो में होना चाहिए जैसे मैं करके दिखा रहा हूँ। अगर आप लेफ्टी हो, नहीं ये दोनों साइड ही होगा, लेफ्टी राइट कुछ नहीं है इसमें, आपने इधर किया 10 बार आपको इधर करना है, यहाँ से ये इसको आपको 12 सेट निकालने, 12 इधर 12 इधर और 3 सेट निकालने। इससे आपको क्या फील होगा, आपकी पूरी बॉडी यूज़ हो रही है, हमारे लेग्स भी यूज़ हो रहे हैं, और हमारी जो यूज़ होती है ना जैसे हम सिक्स मारते देख सकते हैं ऐसे मारते हैं तो पूरी बॉडी यूज़ होती है, पूरी पावर लगती है। तो इसमें भी आपकी देख सकते हो स्क्वाड पोजिशन में पूरी बॉडी यूज़ हो रही है हमारी, तो ये सबसे बेस्ट वर्कआउट है। इसमें जिम में जाकर आप डंबल से भी कर सकते हो, और वो वाली जो मैंने आपको बताया थाराबैंड वाली, वो वाली भी आप जिम में कर सकते हो, ऐसे जो हमारी वायर होती है उसे पकड़ के आप ऐसे उससे भी कर सकते हो। तो और साथ में जो तीसरी बताई वो भी आप जिम में कर सकते हो और ग्राउंड में भी कर सकते हो। तो गाइस ये तीनों एक्सरसाइज है जो आपको बैटिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी और आपकी मसल पावर भी बढ़ जाएगी और आपको बैटिंग करने में मज़ा आएगा। और वीडियो अच्छी लगी है तो गाइस लाइक कर दो, और जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में टारगेट 2500 लाइक का वो मुझे चाहिए इस वीडियो पे, वो आप कर देना, और आपका इंस्टाग्राम पे भी सेम अकाउंट है क्रिकेट विशाल, वहाँ पर भी आपका सपोर्ट चाहिए। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू गाइस।